नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉन एसेंडेंट का जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पर कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र बुध आपके ग्यारहवें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल आपके बारहवें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, बुध का गोचर 28 दिसंबर को होगा, तो बुध 28 दिसंबर को आपके बारहवें भाव से ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे जो कि वक्री अवस्था में रहेंगे, और 6 जनवरी तक वे आपके ग्यारहवें भाव में वक्री रहेंगे और फिर 7 जनवरी को वे वापस बारहवें भाव में गोचर करेंगे मार्गी होकर के। वही सूर्य 14 जनवरी को आपके बारहवें भाव से लग्न में गोचर करेंगे और शुक्र 18 जनवरी को आपके ग्यारहवें भाव से बारहवें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है, और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके दूसरे भाव में बैठ करके 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव में, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके आठवें भाव पे, और 8, 9, 10 दसवीं दृष्टि आपके ग्यारहवें भाव में डाल रहे हैं। वहीं गुरु आपके चौथे भाव में बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि, देखिए यहाँ पे मैंने जो डॉट मार्किंग किया है वो दृष्टि का है, तो पांचवी दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है, 6, 7 सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके दसवें भाव पे, और 8, 9 नौवीं दृष्टि पड़ रही है आपके बारहवें भाव पे। वहीं मंगल आपके बारहवें भाव में बैठ करके 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके छठवें भाव पे, और सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके सातवें भाव पे। देखिए लग्न पे आपके सूर्य 14 जनवरी को गोचर करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, और आपके लग्न के स्वामी जो है आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए जो यहाँ सूर्य विराजमान हो रहे हैं ना, वो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर 14 जनवरी से आप अपने आप में थोड़ा बहुत नेगेटिव महसूस करेंगे, आप में नेगेटिविटी बढ़ने वाला है, और आपके लग्न के स्वामी चूंकि दूसरे भाव में विराजमान है तो यहाँ पे आपका जो फोकस है वो आपके छोटे भाई बहन पे रह रहा होगा, या फिर आप बोल सकते हैं आपका अटेंशन आपके छोटे भाई बहन पे, इनफैक्ट 17 जनवरी 2023 से ही रह रहा होगा। आप अपने सेविंग्स को लेकर के चिंतन कर रहे होंगे। दूसरे भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। तो दूसरे भाव में चूंकि शनि विराजमान है तो यहाँ देखिए आपके कोष के लिए तो आपके शुभ है, आपको सेविंग्स तो शनिदेव निश्चित तौर पर कराएंगे, पर जिस स्पीड में आप एक्सपेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि शनि का मूवमेंट जो होता है बहुत स्लो होता है, एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं। तो चूंकि ये 2.5 साल यहाँ पे रहेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट तो देंगे, लेकिन आपको जिस स्पीड में आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको बहुत धीरे धीरे करके मिलेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आपके परिवार से निराशा हो रहा होगा, पर फिर भी आपको सुख मिलेगा। तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पूरे महीने पड़ने वाली, और तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको आपकी माता द्वारा धैर्य की तो प्राप्ति हो रही होगी, और तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए आपने नोटिस किया होगा कि 30 अक्टूबर से आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं उनके स्वभाव में जिद बढ़ा है, और 27 दिसंबर से उनको गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे आपके जो छोटे भाई बहन हो गए या फिर आपके जो पड़ोसी हो गए उनके नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा। हो सकता है कि ये एग्रेसिवनेस के कारण आपका उनसे कोई विवाद हो जाए, तो कोशिश कीजिए विवाद से बचें। हालांकि देखिए आपके तीसरे भाव में राहु है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके पराक्रम तो निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। राहु चूंकि विराजमान हुए हैं तो पराक्रम को बढ़ाएंगे, और ऊपर से मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपका पराक्रम तो निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। और आप अपना काम साम दाम दंड भेद यानी कि किसी भी तौर पर आप अपना काम किसी भी तरीके से कराने में बिलीव करेंगे।
चौथे भाव में आपके गुरु विराजमान है और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है, और आपके चौथे भाव के जो स्वामी है आपके बारहवें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए यहाँ पे गुरु विराजमान है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपका आपकी माता से मतभेद हो सकता है, मन मुटाव बढ़ सकता है, तो आप इस चीज का निश्चित तौर पर ध्यान दें कि आपका आपकी माता से मतभेद और मनमुटाव ना हो। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके बारहवें भाव में चूंकि विराजमान है, तो यहाँ पे आपका आपकी माता, घर, वाहन, इस पे आपका खर्च 27 दिसंबर से बढ़ेगा। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र के घर में ही शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और बुध की दृष्टि भी आपके पांचवें भाव में पड़ रही है। हालांकि देखिए शुक्र की दृष्टि आधे महीने ही पड़ने वाली है, लगभग 17 जनवरी तक पड़ेगी, और बुध की तो सिर्फ शुरुआत के 6 दिन बस पड़ने वाली है। देखिए पांचवा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए शुक्र के घर में शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो 17 जनवरी तक अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो उनका आप ध्यान दीजिए, कोई जान पहचान वालों के साथ हो सकता है कि उनका अफेयर हो सकता है। हालांकि देखिए शुक्र अपने घर में ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके प्रेम संबंध के लिए अच्छा समय है। और अगर आप स्कॉलरशिप की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 17 जनवरी तक आपके लिए अच्छा समय है। देखिए यहाँ पे जो आपके बच्चे हैं वो समझदारी से डिसीजंस लेंगे, स्टूडेंट्स अपने जो फ्यूचर के निर्णय लेंगे, अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे चूंकि बुध की दृष्टि भी पड़ रही है तो समझदारी से अपने निर्णय को लेंगे। देखिए यहाँ पर जो लोग पढ़ाई से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, टीचर हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर ट्यूशंस लेते हैं, उनको 17 जनवरी तक अच्छा लाभ होगा। और 18 जनवरी से अगर आपके बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए अच्छा समय है, वे इस समय अगर कोशिश करेंगे तो जरूर सफल होंगे। और आपका आपके बच्चों के पढ़ाई पर खर्च भी बढ़ेगा 18 जनवरी से। प्रेम संबंध में जो लोग हैं उनका उनके प्रेमी या प्रेमिका पे भी खर्च बढ़ने वाला है 18 जनवरी से। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है, और आपके छठवें भाव के स्वामी जो है 11वें भाव में विराजमान है। हालांकि देखिए 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक ही विराजमान है, लेकिन आपके छठवें भाव के स्वामी वक्री होकर के आपके 11वें भाव में चूंकि विराजमान है, तो यहाँ पर आपके जो शत्रु होते हैं, मामा मौसी होते हैं, उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मंगल की चूंकि दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है, तो जो आपके मामा मौसी होंगे या फिर आपका जो शत्रु या कॉम्पिटिटर होगा उसके नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ने वाला है, उनको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा, तो हो सकता है आपका उनसे विवाद हो जाए, तो कोशिश कीजिए विवाद से बचें। और जो लोग मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय खासकर 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक अच्छा रहने वाला है। रोग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, बीमारी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। देखिए 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक आपके पांव के कोते में दर्द की समस्या आपको रह सकती है, और जब बुध 7 जनवरी को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे तो देखिए यहाँ पे बुध द्वारा विपरीत राजयोग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है, तो यहाँ 7 जनवरी के बाद से आपका आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पर खर्च तो होगा, खर्च करने के बाद आप अपने शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश करेंगे और उस पर विजय पाएंगे। और बुध चूंकि आपके 12वें भाव में जाकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको संघर्ष तो कराएंगे पर संघर्ष करा करके आपको तरक्की भी प्रदान करेंगे। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके भागीदार, आपके स्पाउस का होता है, और आपका 7वां भाव जो है वो कर्क का है जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो 24, 25, 26 तारीख को जब चंद्रमा आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे तो आपके स्पाउस का सुख आपको अच्छा दिलाएंगे। और मंगल की दृष्टि चूंकि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपका जो स्पाउस होता है या फिर आपका भागीदार जो होता है उसके नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, उनको गुस्सा ज्यादा आएगा। तो फिर वापस मैं वही बोलूंगा कि आपको आपके स्पाउस के साथ भी थोड़ा संभल करके बात करना है, खासकर जनवरी के महीने में। और आपके 8वें भाव में चंद्रमा 1, 2, 27, 28 तारीख को विराजमान है और शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ का होता है, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही है,
पर गुरु देखिए यहाँ पे आपके शनि की दृष्टि में है, तो गुरु अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका यहाँ पे आपके ससुराल वालों से मनमुटाव होने की संभावनाएं 17 जनवरी 2023 से हैं। कोशिश कीजिए कि ससुराल वालों के साथ किसी विवाद में ना पड़े। और आपके जो सप्तम भाव के स्वामी है अष्टम भाव में 1-2-27-28 तारीख को विराजमान है, तो यहाँ पे आपको आपकी स्पाउस के तबियत का खासकर 1-2-27-28 तारीख को ध्यान दें, उनकी तबियत बिगड़ सकती है। हालांकि आपको आपके स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के योग भी 1-2-27-28 तारीख को बन रहे हैं। नवम भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके नवम भाव के जो स्वामी है आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिये नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला या फिर आपका जो छोटे भाई होते हैं उनकी स्पाउस का होता है। देखिए केतु आपके नवम भाव में विराजमान हुए हैं, तो यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला या फिर छोटे भाई की स्पाउस होती है, उनके नेचर को थोड़ा बहुत आपको समझना मुश्किल जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि केतु जब आता है तो उनको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, मतलब आपको उनको प्रेडिक्ट करने में थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी। पर केतु आपके नवम भाव में है तो विदेश या विदेशियों से लाभ करवाएंगे और उनकी माध्यम से आपका भाग्य उदय भी कराएंगे। और 28 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच में आपके पहचान वाले या फिर आपके दुर्मित्र द्वारा आपका भाग्य उदय कराएंगे। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि 28 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच में आप अपने मित्र के साथ कोई तीर्थ यात्रा पर भी जाएं। दशम भाव में आपके कोई ग्रहण नहीं है, हालांकि देखिए दशम भाव के जो स्वामी है आपके 11वें भाव में विराजमान है और गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए गुरु की दृष्टि चूंकि आपके दशम भाव में पड़ रही है 22 अप्रैल 2023 से, तो आप ये नोटिस किए होंगे कि आपका काम बढ़ा हुआ है और शुक्र भी आपके दशम भाव के जो स्वामी है वो आपके 11वें भाव में 24 दिसंबर से विराजमान हुए हैं, जो कि 17 जनवरी तक विराजमान रहेंगे। तो 24 दिसंबर से 17 जनवरी तक आपके पहचान वाले या फिर मित्र द्वारा आपको काम मिलेगा और आपको कम्युनिकेशन से भी आपको अच्छा लाभ होगा। हालांकि अब हम लोग इनकम के बारे में बात करते हैं क्योंकि 11वां भाव इनकम का हो जाता है। तो आपके 11वें भाव में शुक्र विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया बुध विराजमान है और शनि की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी 12वें भाव में विराजमान है। तो देखिए शनि की चूंकि दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और वो 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि 17 जनवरी 2023 से जैसा इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काम तो आप कर रहे हैं पर जैसा इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इनकम नहीं हो पा रहा है। काम की बात करें तो काम तो आपका बढ़ गया है, लेकिन अगर सैलरी की बात करें इंक्रीमेंट की, तो सैलरी इंक्रीमेंट जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं बढ़ पा रहा है या फिर नहीं ही हो पा रहा है, वैसा आपका सिचुएशन चल रहा है। आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 27 दिसंबर को गोचर किए हैं, तो उसके बाद से आप ये देख रहे होंगे कि आपका खर्च बढ़ गया है। जैसे पैसा आपका आ जा रहा है वैसे ही आपका पैसा खर्च हो जा रहा है, मित्र पे आपका पैसा खर्च हो जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके इनकम में अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा है। 12वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, हालांकि सूर्य देखिए यहाँ पे आपके 12वें भाव में 13 जनवरी तक विराजमान है, मंगल पूरे महीने विराजमान रहेंगे, बुध 7 जनवरी को गोचर करेंगे और शुक्र 18 जनवरी को गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि आपके पड़ रही है 12वें भाव में, जो कि गुरु का घर है और आपके 12वें भाव के स्वामी 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्च, हॉस्पिटल, जेल, फॉरेन का होता है। तो यहाँ पे 12वें भाव में देखिए 12वें भाव के स्वामी चूंकि 4थे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया 22 अप्रैल 2023 से आपका खर्च आपके सुख पर बढ़ा होगा, माता पे बढ़ा होगा, घर पे बढ़ा होगा, वाहन पे बढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे बुध और सूर्य दोनों से आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है। सूर्य की जो विपरीत राज्योग का निर्माण हो रहा है वो हो रहा है 13 जनवरी तक और बुध का जो विपरीत राज्योग का निर्माण हो रहा है वो हो रहा है 7 जनवरी से। देखिए यहाँ पे जो लोग परदेश गमन जाने का सोच रहे हैं उनके परदेश गमन जाने में कुछ बाधाओं का उनको सामना करना पड़ रहा होगा, खासकर 7 जनवरी के बाद से और 22 अप्रैल से। आप ये नोटिस किए होंगे कि आपको नींद कम आने की समस्या भी हो रही है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ अगर आपके एग्रीमेंट हो रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में अगर आपके ज्वाइनिंग है तो भी आप कर सकते हैं, कोई नया सामान खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो भी इस डेट को कंसिडर कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 3-9 तारीख, 12-13 तारीख, 15-22 तारीख, 24-26 तारीख, 29 और 30 तारीख।
वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कोई कंपनी में आपका ज्वाइनिंग है या फिर आपका कोई नया सामान भी अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट को अवॉइड कीजिए, डेट्स आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो डेट्स लिख लीजिए, 1 तारीख, 2 तारीख, 10 से 12 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 27 और 28 तारीख, इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और देखिए आपके मकर लग्न वाले जो होते हैं उनके जो नवम भाव है वो है बुध का, तो अगर आप विष्णु राम कृष्ण हरि की अगर आप उपासना रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। और केतु आपके नवम भाव में विराजमान है, तो अगर आप हर दिन कहीं भी बाहर जाने के पहले माथे पर केसर की तिलक लगाएं, हर दिन कुत्ते को रोटी खिलाएं और कुत्ते को कष्ट ना दें और गणपति जी की पूजा करें, ओम गणपते नमः का जाप करें, तो इससे आपको अवश्य लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।